बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। मंथन के इस दौर में एक बात जो छनकर आई है वो अनंत सिंह के पाले में गई है। चुनावी नतीजों से साफ है कि मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह बड़े सरकार पर भारी पड़े हैं। दरअसल एमएलसी चुनाव में पटना सीट पर आरजेडी के बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर कार्तिकेय सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया को 180 वोट से मात दी है। इस सीट पर जेडीयू प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह की भी हार हुई है। इस सीट से आरजेडी की तरफ से दो दावेदार थे, पहले दावेदार अनंत सिंह के सहयोगी कार्तिकेय कुमार उर्फ मास्टर और दूसरे दावेदार रीतलाल यादव के भाई, लेकिन अनंत सिंह ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कह दिया था कि मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। इसकी वजह से कार्तिकेय कुमार को टिकट मिल गया था। अनंत सिंह के कॉन्फिडेंस को देखते हुए ही यह सीट उनके सहयोगी कार्तिकेय कुमार को दे दी गई थी और एमएलसी रीतलाल यादव को अन्य आश्वासन देकर मना लिया गया था। कुछ दिन पहले अनंत सिंह और रीतलाल यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में रीतलाल यादव और अनंत सिंह के बीच का स्नेह दिख रहा था। उसमें रीतलाल यादव अनंत सिंह के गले में पड़ी सोने की चेन मांग रहे हैं और अनंत सिंह कह रहे हैं कि खोल लीजिए। अनंत फिर कहते हैं कि हाथ में पहना हुआ सोने का ब्रेसलेट ही ले लीजिए। रीतलाल कहते हैं कि वे खोलकर नहीं लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्तिकेय सिंह को लेकर दोनों बाहुबलियों के बीच विवाद की बातें गलत साबित हुई। यहां बता दें कि कार्तिकेय सिंह बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं। अनंत सिंह जब जेल में होते हैं तब कार्तिकेय सिंह ही उनके चुनाव प्रचार की पूरी प्लानिंग करते हैं। इस वक्त अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में कैद हैं। अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच छोटे सरकार के नाम से संबोधित किए जाते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता थे। अब अनंत सिंह आरजेडी में हैं। इस तरह एमएलसी चुनाव के रिजल्ट को देखें तो पटना सीट पर बिहार के बड़े सरकार पर छोटे सरकार भारी पड़े हैं।